क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से आपसे भी सुन रहे हैं, और यही चर्चा का विषय दिख रहा है कि ये शब्द क्या है। और जैसे आपने कहा कि मन शब्दों से और शब्दों में ही चलता है, और फिर हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो जो डिविनिटी है उसको जब शब्दों में उतारने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं एक वायलेंस हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जिन्होंने भी जाना या समझ जाना चीज़ को, रियलाइजेशन हुआ, तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो कि द डिज़ायर की जो चीज़ मुझे मिली है वो मासेस भी समझे, आने वाली पीढ़ी है। तो ये तो एक तरीके से बहुत अच्छा भाव है, सेवा का भाव है। तो उस क्योंकि आदमी जहाँ बैठा है वहीं से करेगा, क्योंकि हम लोग शब्दों के जीव हैं, तो उसने उस चीज़ को शब्दों में उतारने की कोशिश करी, और जब वो उतार रहा है तो ये भी जान रहा है कि प्रॉब्लम होगा। वो नहीं रहेगा जो जब जो पढ़ेगा, और जो मैंने जाना उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, लेकिन वो ये अज्यूम करके चल रहा है जो शास्त्रों में है कि एक उसके अंदर से भी एक पॉसिबिलिटी निकलेगी कि जब वो ब्रह्म बोलेगा तो ऐसा नहीं है कि चीज़ एकदम खत्म हो गई है वो बोल बोल के। इसीलिए फिर शायद मंत्र का भी सिस्टम आया है। मेरा बेसिक सवाल ये देखो, है कि क्या उसमें एक इनहेरेंट पॉसिबिलिटी है, या फिर वो शब्द एकदम मर गया है, एकदम उससे रूट से डिटैच हो गया है, या उसके अंदर इनहेरेंट पॉसिबिलिटी है जिसके कारण ही शब्दों की रचना हुई है, ये मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ। एक राजा है। उस राजा का एक बेटा है। राजा का बेटा अच्छे से जानता है कि मुझे जो भी कुछ मिला है वो अपने पिता की वजह से ही मिला है। नाम, शरीर, शिक्षा, मैं जो भी कुछ हूँ, दिया मुझे सब पिता ने ही है। वो जब तक छोटा है वो पिता की गोद में खेलता है, पिता सिंहासन पर बैठा है, और ये जो बेटा है ये भी पिता की गोद में खेल रहा है, इस कारण ये भी सिंहासन पर ही बैठा है। सिंहासन पिता का है। ये बच्चा जब तक छोटा है पिता की गोद में खेलता है, पिता सिंहासन पर है, तो बच्चा भी कहाँ पर होता है? सिंहासन पर ही होता है। बच्चा बड़ा होता जा रहा है, बच्चा देखता जा रहा है कि वो जो भी है पिता की वजह से है। ऐसा नहीं कि इस तथ्य से वो अवगत नहीं है, लेकिन ये भी अब बात है कि वो बड़ा हो रहा है। ध्यान देना, वो बड़ा हो रहा है, और बड़ा होने का अर्थ ही यही है कि वो पिता की गोद से अपने आप को दूर करता जा रहा है। पिता के प्रेम में कोई अंतर नहीं है। वो पिता के पास आज भी जाएगा तो पिता उसे बैठा लेगा पास में, पर वो पिता से दूर होता जा रहा है। सब कुछ मिला हुआ है उसको, लेकिन सिंहासन नहीं मिला हुआ। सिंहासन उसे कब उपलब्ध था? जब वो बच्चा छोटा था, छोटा सा था। जब वो सहज भाव से जाके पिता की गोद में बैठ जाता था। अब उसे सब मिला हुआ है, वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसे क्या नहीं उपलब्ध है? क्या नहीं उपलब्ध है? तो क्या करता है कि एक दिन जाकर के पिता की हत्या करने की कोशिश करता है, और आदमी का इतिहास भरा हुआ है ऐसी घटनाओं से जहां पर बेटे ने बाप की हत्या करनी चाहिए है सिंहासन के लिए। वो जा करके बाप की हत्या करने की कोशिश करता है कि तुझसे मुझे सब कुछ मिला, लेकिन सिंहासन पर तो तू ही है ना। तुझसे मुझे सब कुछ मिला पर सिंहासन पर तो तू ही है ना। वो जाता है कि तेरी हत्या कर दूंगा, और तेरी हत्या करके मैं बैठ जाऊंगा सिंहासन पर। इसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो पिता की हत्या कर पाया कि नहीं, पर यह पता है कि अब वो ग्लानि में जिएगा। अब वो ग्लानि में जिएगा। गिल्ट। वो बेटा हम सब हैं।
हमें जिससे सब कुछ मिला है हम उसी के सिंहासन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। हमारा अहंकार कहता है उस परम सिंहासन को पाए बिना नहीं मानूंगा। तो इसीलिए वो ईश्वर को भी मानसिक बना देना चाहता है कि सिंहासन पर कब्जा कर लूं मैं भी। सिंहासन तक पहुंचने का एक ज्यादा सरल और सहज तरीका उपलब्ध है, वो तरीका है प्रेम का। जाओ पिता के करीब चले जाओ, सिंहासन मिल जाएगा। पर वो ये नहीं करेगा, वो पितृहंता है। पैट्रिसाइड जानते हैं, बाप को ही मार देना। हम सब वही हैं, हम जिससे हैं, जिससे हमारा वजूद है, हम सब लगातार उसकी हत्या करने में लगे हुए हैं। और उस हत्या करने का जो औजार है, जो खंजर है, उसका नाम है धर्म। धर्म का इस्तेमाल किया जाता है सत्य को मारने के लिए। और दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सत्य की हत्या करने की कोशिश न करता हो। क्योंकि बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी बड़ी से बड़ी आकांक्षा यही है कि किसी तरीके से सिंहासन मुझे मिल जाए। सिंहासन मुझे मिल जाए, सिंहासन का स्वाद उसे लग चुका है ना। एक समय था जब वो सिंहासन उसी का था। कब? बचपन में। फिर उसने खुद ही अपने आप को सिंहासन से दूर कर लिया, ये कह के कि मैं बड़ा हो रहा हूं, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे दुनिया में जाना है। और अब उसका अहंकार उसे अनुमति नहीं देता कि चुपचाप प्रेम पूर्वक पिता के पास वापस लौट जाओ। वो कहता है प्रेम में कैसे जाऊं, प्रेम का मतलब तो कमजोरी है। तो कहता है हत्या कर दूंगा पिता की। हम सब वही हैं, हमें जिससे सब कुछ मिलता है हम उसी की हत्या करना चाहते हैं। हम में से एक एक के भीतर वही भाव है, टेंडेंसी वही है। बात आ रही है समझ में? चुपचाप सरल होकर, निष्कपट होकर पिता की गोद में वापस जाया जा सकता है। धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, पद्धतियों की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य पर किताबें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सत्य को सिद्धांतों में बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुपचाप भोले होकर के हंसने लग जाओ, चुपचाप प्रस्तुत हो जाओ, सिंहासन तुम्हारा है। पर कैसे करें? मैं अब एक बलिष्ठ बड़ा नौजवान राजकुमार हूं, पिता के कदमों में कैसे बैठूं? कहानी सुनी सुनी सी लग रही है कि नहीं? करना क्या है इतने सारे शास्त्रों का? सीधे सीधे निर्दोष क्यों नहीं हो सकते? इतने तो बेवकूफ नहीं हो कि कोई और आकर के बताए कि जीवन क्या है। बुद्धि भी है, इंद्रियां भी हैं, सब दिखता है ना, सब दिखता है। क्या करना है किताबों का? किताबें भी इसीलिए हैं ताकि जीवन की ओर नजर न डालनी पड़े, खुद को न देखना पड़े। उससे अच्छा किताबों में घुसे रहो। मजेदार बात यह हुई है कि जो खुद को नहीं देखता, किताबें भी उसे कुछ दे नहीं पाती। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा था कि धर्म वो हथियार है जिसके द्वारा आदमी ने अपने ही पिता की हत्या करने की कोशिश की है।
वो हथियार दिया आदमी को इसलिए गया था कि उससे वो अपने अहंकार को काट दे। कोई शुभचिंतक था उस राजकुमार का, उसने आके वो औजार उसको दिया था कि इसका इस्तेमाल करना अपने आप को काटने के लिए, अपने अहंकार को मिटा देने के लिए। पर उस राजकुमार ने उसी का इस्तेमाल कर लिया पिता को ही मिटा देने के लिए। और धर्मों का यही इस्तेमाल हुआ है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सत्य को ही मिटा दो, पिता को ही काट डालो। धर्म ने जो खंजर दिया है उसको अपने ऊपर चलाना कौन चाहता है? आप बड़े होशियार हैं तो अपनी सारी होशियारी दुनिया के ऊपर ही तो चलाते हैं ना। देखिए दुनिया चल रही है तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप कभी नहीं पूछते कि मैं चल रहा हूं तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कभी उस हथियार को अपने ऊपर तो इस्तेमाल करिए, वो दिया गया है आत्मज्ञान के लिए। और आत्मज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान होता नहीं।